support. Need not to support. Please kindly take your seat. Kindly take your seat. Kindly take your seat. सुनने काल अवसर पर जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर, जिस तरह से वर्तमान में चिकित्सा व्यवस्था केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, कहीं न कहीं जो गरीब जनता है उनको लाभ नहीं पहुंचा रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, मैंने जिस उद्देश्य से लगाया था मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्था हो रही है, लेकिन जो शून्यकाल लगाने के बाद ही आपके एक ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, 2 तारीख को मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर एक गर्भवती महिला पीएससी पे पहुंचती है और पीएससी के डॉक्टर स्टाफ कह देते हैं डिलीवरी यहाँ पर नहीं कराई जाएगी, और वही दरवाजे में वो तड़पती है और वही वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वहां स्टाफ कई किसी प्रकार को उसको अंदर नहीं ले जाते हैं। वही चीज हुई, विभागीय अधिकारियों ने वहां गए, उसको डॉक्टर को उपयोग करके कई न कई खानापूर्ति कर दी, लेकिन उससे भी गंभीर बात, एक दिन बाद उसी पीएससी पे बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर प्रसव सुविधा और इमरजेंसी सुविधा के लिए नहीं आए। एक तरफ पूरे देश में हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, राजकुमार जी ये स्टेट सब्जेक्ट है सर, जो विषय केंद्र सरकार की जो स्कीम है, मैं उसको लेके मैंने इसलिए बता दिया था, केंद्र सरकार एनएचएम में पैसा देती है, इसलिए मैंने कहा था कि ये इशू जो आया है, क्या डिमांड है, ये जो इशू आया है, आज आयुष्मान भारत योजना चल रही है, हमारा गुजरात से सटा हुआ इलाका है, वहां पर मजदूरी के लिए लोग आते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल हो, विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज के दौरान डेथ हो जाती है, ऐसे कई इशू आए हैं कि इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन वो बॉडी लेने के लिए, वो मृत शरीर लेने के लिए दो दो तीन तीन दिन तक तरसते हैं। इसमें आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जो स्कीमें हैं फास्ट तरीके से कागजों में दौड़ रही है, जोरदार तरीके से, लेकिन धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। मेरे वहाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जगह मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, वहां पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी नहीं हो पाती है, ये स्थिति बनी हुई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार जो मेडिकल कॉलेज में मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए उन सुविधाओं को धरातल पे लागू करें, और जो वहां फर्जीवाड़ा चल रहा है और जो चिकित्सा व्यवस्था को जो प्राइवेटीकरण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर आप विशेष ध्यान दें और सरकारी व्यवस्था को सुधारें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रमांक 55 के आप स्टेट गवर्नमेंट को वाकई कार्य शीघ्र संपूर्ण किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है और केंद्र सरकार से मांग भी है। महोदय, 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सरकार आने के बाद देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों का अत्यधिक विकास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ विभाग के मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी का सब लोग अत्यंत धन्यवाद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 55 जो कि कटक के एक स्थान है मंगुली करके, कटक से संबलपुर भाया ढेंकनाल और अनुगुल जहाँ से मैं आता हूँ, रेणाखोल आदि हो के एक रोड 55 जाता है, उसका 4 लेनिंग का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रही है। 2017 के जुलाई में विभाग के मंत्री गडकरी साहब इस प्रकल्प के शुभ शिलान्यास किए थे, अभी 7 साल पूरा हो गया, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। महोदय, अगर थोड़ा और गति दे दिया जाएगा तो अंगूल का बाईपास दे के यातायात चालू भी हो सकता है, इससे भी काफ़ी दिक्कतें बहुत ही मात्रा में कम हो जाएगी। हाथी यातायात पथ और कतिपय नाला के ऊपर पुलों का युद्ध स्तर पर निर्माण किया जाने पर यह परियोजना शीघ्रातिशीघ्र संपूर्ण हो जाएगा। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस कार्य में और विलंब को सहन न किया जाए, किसी भी स्तर में किसी भी कारण कोई भी विलंब को कतई बर्दाश्त न किया जाए। अगर विलंब हो गया है तो ढेंकनाल टाउन के पास कॉलेज बाईपास है, वहाँ एक अंडरपास बना दिया जाए। धन्यवाद।
श्री गजेंद्र सिंह पटेल, श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल, इंदौर मनमाड रेल परियोजना के। हाँ, धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी आदिवासी लोकसभा से आता हूँ। इंदौर मनमाड रेल परियोजना जो महाराष्ट्र के धुले नासिक से होते हुए इंदौर, जिसमें हमारे खरगोन बड़वानी धार इस जिलों के ठिकरी अंजड़ राजपुर और जुलवाना जैसी तहसीलों से होकर करीब 1000 गांव और 30 लाख से ज़्यादा आबादी इससे लाभान्वित होंगे। 309 किलोमीटर की ये रेल परियोजना जो 300 से ज़्यादा छोटे बड़े पुल्स ब्रिज से निर्माण होकर परियोजना लागू होगी, जो 2028-29 तक पूरी होगी। इसके पूर्व मैंने कई बार माननीय रेल मंत्री जी को भी अवगत कराया था इस रेल परियोजना की बजट की स्वीकृति के लिए भी और इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए भी, परंतु विशेष करके इस परियोजना को केंद्र के विशेष रेल परियोजना में इसको शामिल किया गया। मैं क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय रेल मंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसको 18000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि स्वीकृत करी है और ये विशेष दर्जा इसको दिया है। और एक विशेष मांग जो क्षेत्र की जनता की पुनः है, क्योंकि मेरा खरगोन बड़वानी रेल परियोजना से अभी बिल्कुल भी उसमें रेल नहीं है, परंतु खंडवा से खरगोन बड़वानी होते हुए एक नई रेल परियोजना का सर्वे चल रहा है, उस सर्वे की भी स्वीकृति की मैं मांग करता हूं आदरणीय माननीय रेल मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरुण नेहरू डीएम के। सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर सर आई राइज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू द चैलेंजेस एंड इश्यूज फेस्ड बाय यंगस्टर्स एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स इन एक्सेसिंग द फैसिलिटी द लोन्स अंडर पीएम प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना सर। एंड the scheme is a good scheme sir, the intention is right to help up and you know coming entrepreneurs to have anchor in life, so it's a very good scheme sir. But the point that I'm coming from is Tamil Nadu has the highest number of SMEs in the country sir. So wherever I go into the constituency sir, there are number of loan applications, the largest number of loan applications Tamil Nadu has already applied sir. It is also has the highest amount of rejection rate sir. And some of the reasons that are being quoted is the student loans, the agri loans, the parents would have taken, you know, two-wheeler loans, and you know the small loans that get them to school, to get them to work, to get them to, you know, one single step in life. There might be one or two payments missed, and what happens is it comes and reflects back into the CIBIL system, which the banks were obviously mandated by RBI to look into the different issues, sir. But I also ask the Honorable Finance Minister to give the breakdown on the applications received, the applications approved, rejected, or put on hold.